हाँ जी, अगर आपने भाई फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है और ऑर्डर करने के बाद आप चाहते हो कि उस ऑर्डर को कैसे रिटर्न किया जाता है, तो बहुत आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्किप मत कीजिए, बहुत काम का होने वाला है वीडियो। और रिफंड कब तक बैंक में आएगा ये भी बता दूंगा, तो स्किप नहीं करना है। देखो भाई, मैं फ्लिपकार्ट पर हूँ और अपने ऑर्डर वाले सेक्शन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद देखो बहुत सारे आपको ऑर्डर्स अभी दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। ऑर्डर्स दिखाने के बाद हमें वो ऑर्डर को चूज़ करना है, वो ऑर्डर बैक क्लिक करना है जो ऑर्डर आप रिटर्न करना चाहते हैं। अब भाई रिटर्न देखो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, ये वाले। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक शर्ट ऑर्डर कर दिया था 339 रुपये का, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मैंने 6 जनवरी को ऑर्डर किया था, 15 तारीख को मेरे पास डिलीवरी हुआ। मैं 15 तारीख को ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़्यादा हम डिले कर देंगे तो हो सकता है ऑर्डर रिटर्न ना हो। सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आएगा रीज़न फॉर रिटर्न, मतलब हम रिटर्न इसको क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न क्या है इसका। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं, प्रोडक्ट डैमेज है, मिसिंग पैकेज है, और मतलब काफ़ी सारे रीज़न दिए गए हैं आपका जो है प्रोडक्ट पर, मतलब डोंट बी, मतलब कि आपको क्वालिटी समझ नहीं आ रही, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आई हैव मल्टीपल इशू, और भी रीज़न हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको रीज़न सिलेक्ट करना है, तो मैं कोई एक रीज़न सिलेक्ट करने वाला हूँ, आपका जो रीज़न आपको दिख रहा है वही रीज़न को सिलेक्ट कीजिए। मैंने कर लिया, कमेंट्स पर आपको लिखना है भाई, और अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि दिस ऑर्डर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा कुछ लिख सकते हो, या आपको जो भी रीज़न आपको लग रहा है कि वो रीज़न प्रॉब्लम है तो रीज़न भी लिख सकते हो आप लोग, आप चाहो तो। इसके बाद यहाँ पर देखो हम कंटिन्यू पर क्लिक करने वाले हैं, पर लिख दिया दिस ऑर्डर नॉट इंटरेस्टेड, फोटोज क्वालिटी गुड फ्लिपकार्ट। मैंने बोला कि जो फोटो दिख रहा था फ्लिपकार्ट पर उस पर तो गुड है, बट वैसे पर अच्छा नहीं है भाई, इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है मेरी, आप हिंदी से इंग्लिश करके यहाँ पर लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैं बस आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर को रिटर्न कैसे किया जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, तो हमें कंटिन्यू पर भी क्लिक करना है, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई यहाँ पर कि यहाँ पर और भी रीज़न आप दे सकते हो एक्स्ट्रा, अगर आपका रिटर्न कैसा नहीं हो रहा तो आप कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम है बताइए, या फिर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो आप लोग से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सेलर पढ़ता है इसको। मैंने क्लिक कर दिया रिटर्न वाले ऑप्शन में, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो लिखा है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, एक्सचेंज रिफंड, हमें रिफंड पर ही क्लिक करना है, चेंज कर दोगे ऑर्डर एक्सचेंज होके आएगा, तो हमने रिफंड पर क्लिक कर दिया। देखो भाई मैंने जो पेमेंट किया था वो मैंने किया था पेमेंट ऑनलाइन, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने कैश ऑन किया है तो बैंक वाला ऑप्शन आएगा ऐड करने के लिए, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है फ़ोनपे UPI गूगल पे से, तो पैसा आपका रिफंड उसी पर पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो मैंने कर दिया, इस पर मेरा पैसा 7 दिनों के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर मेरे बैंक फ़ोनपे गूगल पे जहाँ से मैंने किया वहाँ पर आ जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, सिंपल सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये देखो रिटर्न सक्सेसफुली हो चुका है, अप्रूव हो चुका है तुरंत। अब आपको भाई वेट करना है पिकअप का, क्योंकि ऑर्डर पिकअप होने के लिए कोरियर पार्टनर आपको कॉल करेगा। जैसे ही आपका ऑर्डर पिकअप हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही आपका ऑर्डर पिकअप हो जाता है 24 घंटे के अंदर पैसा आपका रिफंड मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो DM कीजिए मुझे, ओके, आई होप।